नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं जीत ब्लॉग्स और आज इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने आए हैं यूक्रेन से लौटे हुए छात्र के बारे में। जो ऑफिशियल अपडेट अभी 29 तारीख को आई है, आज के दिन 2 घंटा 3 घंटा भी और आए हुए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो ऑफिशियल अपडेट आई है, मैं पहले उसके बारे में बाद में बात करूंगा। जो अभी ऑफिशियल और अनऑफिशियल न्यूज़ जो चल रही है बच्चों के बीच में, जो बरगलाया जा रहा है उन्हें, मैं उनके बारे में क्लियर कर देता हूँ। उनके बारे में क्लियर क्या करना चाहता हूँ कि जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होता है वो NMC के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होगा तो उसको ऑफिशियल बोलते हैं। जब तक NMC के ऑफिशियल साइट पे अपलोड ना हो और कुछ भी मैसेज सर्कुलेट किया जाए तो उसे आप ऑफिशियली मत मानिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने NMC से जवाब मांगा था कि आपने यूक्रेन से लौटे हुए छात्र के बारे में क्या सोचा है, क्या किया है, जो 3 महीना हो गया है और चाइना के भी छात्र हैं तो उसके बारे में क्या किया आपने। तो NMC ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए एक गैजेट तैयार किया और गैजेट किया कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ बच्चे के साथ ये करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में क्या अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अगर सुनवाई होता तो वो गैजेट क्या होता, ये NMC का ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलता वो, लेकिन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है वो केस और उस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट जब ठप्पा अपना नहीं लगाएगा तब तक वो जाके वहाँ पे क्या कहते हैं NMC अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वो चीज़ नहीं अपलोड कर सकती है। सबसे पहला बात तो ये ऑफिशियल अनऑफिशियल हो गया। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि इसी के माध्यम से ये आ गया है तो अब आगे हो ही जाएगा ऑफिशियली, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि याद होगा पिछले साल भी एक बार NMC गैजेट आया था तो उसके विरोध खिलाफ में फिर उसमें बहुत सारे रूल्स हटाए गए थे। तो अगर आप इस गैजेट के अनुसार ही ले लीजिएगा ट्रांसफ़र, बाद में अगर कहीं सरकार यहाँ एकोमोडेट करती है या ट्रांसफ़र नहीं देती है या मोबिलिटी प्रोग्राम में नहीं इंटरेस्ट दिखाती है तो फिर आप फंस सकते हैं। आपको क्या होगा फिर, जब आप 3 साल के बाद या 6 साल के बाद MBBS करके लौटिएगा वहाँ से तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इसी परेशानी के बचने के लिए जब तक आप वेट कर लीजिए NMC को, आप NMC एक सप्ताह और लगाए तो एक सप्ताह और सही है जब तक। क्योंकि देखिए आप रिस्क मत लीजिए, रिस्क इसमें लगने का बात क्या होता है, पैसा भी जाएगा, आपका साल भी बर्बाद होगा, कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आप कहीं के नहीं बचेगा ना, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री तक नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं आप लोग से इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर मत जाइए। आप लोग को बोल रहे हैं बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे बच्चे जो एजेंट के लिए काम करते हैं वो सब क्या बोलेंगे आपको कि नहीं ये हो गया है तो प्लीज़ आप ट्रांसफर ले लो, जल्दी जल्दी सीट बुक हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत घबराइए, यूनिवर्सिटी बाहर की है ना, कभी सीट फुल नहीं होती है कोई भी यूनिवर्सिटी की। जितना बच्चा आएंगे ना उतना बच्चा वो लोग हड़प ही लेते हैं। कहाँ टर्नों पे अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में ही देखिए ना, जब बच्चे लगातार बढ़ते चले गए तो सीट्स भी तो बढ़ती चली गई, वो और तुरंत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत बढ़ा देते हैं, समझे। तो इसलिए कि घबराने वाली बात नहीं है, सीट्स आपको मिलेंगी, आप जहाँ चाहिए। सब बोल रहे हैं कि जॉर्जिया में कम सीट है, कहीं कम सीट नहीं है, जहाँ आपको जितनी सीट चाहिए वहाँ उस तरह की सीट मिलेगी। आप परेशान मत होइए क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं, आप एडमिशन ले चुके तो आप पूरा दुनिया देख लिए। जो बच्चा एक बार एडमिशन ले लेता है वो पूरा दुनिया देख लेता है। तो इसी वजह से घबराने की बात नहीं, जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती एक कदम नहीं आगे बढ़ाइए, सबसे पहली बात। और अभी क्या कि ट्विटर ट्रेंडिंग जो चल रहा है उस पर ट्विटर कैंपिंग चल रहा है उस पर जाके काम करिए। और उसके बाद क्या कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है घर से निकलिए और दिल्ली पहुंचिए और महा आंदोलन का हिस्सा बनिए। क्योंकि कब किधर पलट जाए NMC वाले कोई पता नहीं है, समझे। क्योंकि देखो अभी एक ऑफिशियल अपडेट जो गैजेट में लिखा हुआ था, जो 6th ईयर बच्चे पास करेंगे उनको यहाँ सीट, उनको यहाँ FMG के बाद 2 साल का इंटर्नशिप करवाने के बाद उनको यहाँ मेडिकल का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो उसी तरह वही अभी क्या हुआ, ऑफिशियल अपडेट आई है अभी 2 घंटा 3 घंटा हो रहा है आए हुए, क्या कि ऑफिशियल अपडेट क्या आई है NMC की तरफ से कि जो 6th ईयर पास कर चुके हैं अपने कॉल यूनिवर्सिटीज़ से, जैसे टर्नोपिल यूनिवर्सिटी है, बिनिशान यूनिवर्सिटी है, लवी मैसल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो ये सब यूनिवर्सिटी मतलब जो भी यूक्रेन में यूनिवर्सिटी है जिससे भी आप MBBS कंप्लीट कर लिए, जो 6th ईयर के स्टूडेंट हैं जो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरह भी डिग्री मिल गया है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जो डिग्री मिला है आपको वो डिग्री ला के आप FMG का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और FMG का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होगा, अगर आप FMG पास कर जाते हैं तो आपको 2 साल का इंटर्नशिप करवाया जाएगा। अब 2 साल का इंटर्नशिप करने के बाद आपको मेडिकल रजिस्ट्रेशन का डिग्री, मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। एक हर एक डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। तब क्या है, आप इंडिया में कहीं भी अपना क्लिनिक वगैरह खोल सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबसे ये बात है। अब कुछ बच्चे हमको ये मैसेज कर रहे हैं क्या कि मैं अभी 3rd ईयर में हूँ तो मैं 2 साल यहाँ 3rd ईयर से 4th ईयर 5th ईयर में ऑनलाइन कर लूँ और जाके मुझे 6th ईयर में 2 साल इंटर्नशिप कर लूँगा। तो नहीं गाइज, आप गलत सोच रहे हैं और ये चीज़ नहीं लागू, ये चीज़ सिर्फ एक्सेप्शन में लागू किया गया है बस 6th ईयर बच्चों के लिए और कोई भी बच्चों के लिए लागू नहीं किया गया। क्योंकि अगर देखिए ये ऐसा इन्फॉर्मेशन कभी आप मानिए जब ऑफिशियल NMC की वेबसाइट पे आ जाए, नहीं तो दूसरा चीज क्या, आप RTI करिए, आपको मिनिमम 10 दिन रिप्लाई लगता है, मैक्सिमम 30 दिन, तो 10 से 30 दिन के बीच में आपका रिप्लाई आ जाएगा एक बार, उसके बाद आप ऑनलाइन या ट्रांसफ़र या मोबिलिटी चूज़ करिए।
तो इसीलिए के वेट करिए एनएमसी का, जब तक एनएमसी का ऑफिशियल अपडेट नहीं आता। और अगर आपको जल्दी है, जल्दी में करना है, तो आप जाइए स्ट्राइक करिए, स्ट्राइक पे धरना पे बैठिए। नहीं तो देखिए क्या है, सब डर रहे हैं कि घर में ही रहेंगे, वो लोग कर ही रहे हैं तो हमको भी मिल जाएगा। तो गाइज ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी हाल में ही रवीश कुमार एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, दिल से सल्यूट करते हैं उनको, तो उन्होंने मजाक भी उड़ा रहे थे यूक्रेन से लौटे हुए छात्र, उड़ाना भी जायज बनता है क्या, क्योंकि 14,000 से 18,000 बच्चे हैं, 18 से 14,000 के बीच में बच्चे हैं, और बात वहाँ बच्चे जो नज़र आ रहे हैं 150 से 100 बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह में कौन नहीं मजाक उड़ाएगा। सबको क्या लग रहा है ना कि घर में ही बैठे बैठे मिल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, वहाँ कुछ हो जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो अग्निवीर वाला हुआ था, वो अग्निवीर वाला इसलिए हुआ था क्योंकि पूरा भारत के लगभग 50 to 80% फैमिली गरीब ही मिडिल क्लास से ही आते हैं, 80 to 60% फैमिली मिडिल क्लास से आते हैं, वो फौज पे ही डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि फौज में कम पैसे में भर्ती हो जाती, तो इसी वजह से वहाँ उपद्रव हुआ था, हंगामा हुआ था, स्ट्राइक मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया था। लेकिन यहाँ पे साइलेंटली और पीसफुली प्रोटेस्ट होगा क्योंकि एक डॉक्टर की नज़र से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक डॉक्टर है होने वाले हम लोग, तो हम लोग को शांति से प्रोटेस्ट करना है। और ऊपर से क्या कि बस सरकार को घेरना है, एनएमसी को घेरना है, अब ये नहीं बोलना है कि सरकार की चापलूसी करना है, सरकार के या ऑपोजिशन के सहारे बैठना है कि ऑपोजिशन क्यों नहीं, कांग्रेस वगैरह आवाज़ उठा रही, जब सरकार ही नहीं कुछ कर रही तो ऑपोजिशन तो मत भरोसा करिए। आप बस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं और सरकार पे ही जवाब सवाल करिए और मीडिया को पूछिए। जब मैं यूक्रेन से लौटा, जब यूक्रेन में थे तो आप लोग मीडिया लोग बहुत कर रहे थे कि मेरे चैनल पे आके बोलो, मेरे चैनल पे बोलो, अभी क्यों नहीं हमारे बारे में मुद्दा उठाया जा रहा है। आप खुद अगर वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो आप खुद मोबाइल उठाइए और वीडियो बनाइए और वीडियो, अब जब हम इस यस सब मैटर पर वीडियो बनाते हैं और बताते हैं सबको, तो कुछ डैश डैश लोग बोलते हैं कि अपना चैनल चमका रहा है, अपना हर चैनल चमका रहे हैं। अरे बेशर्म आदमी, तो तुम्हारे लिए चमका रहे हैं कि हम अपने लिए चमका रहे हैं? हम अपने लिए चैनल चमका रहे हैं, लेकिन बात फायदा इसमें किसको हो रहा है? तुम्हारे लिए तुमको फायदा हो रहा है क्या? नहीं, तुमको फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन जिसका नीचा मानसिकता है कि लोग को हम समझा नहीं सकते, तो वो उसी तरह नीचा सोच रखेंगे दिमाग में, क्या यार नहीं कर सकते, तुम खुद अपना एक वीडियो बनाओ, खुद उसको प्रमोट करो। लेकिन बेशर्म आदमी क्या करेंगे, उसको डिमोरलाइज करेंगे। और उसके बाद क्या देख रहे हैं, लगातार कुछ दिन से कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वगैरह, तो उस पर मीम्स बना रहे हैं, उस पर मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बेशर्मो, जब तुम नहीं प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हो, नहीं तुम आवाज़ उठा सकते हो, तो थोड़ा सा चंद पैसों के लिए बिक मत जाओ, समझे? सबसे पहला बात, अगर नहीं तुम किसी को मनोबल नहीं बढ़ा सकते तो घटाया भी मत करो, शांति से घर में बैठा रहो चुपचाप से। तो सबसे मेरा यही आज उड़ के निवेदन है कि जल्द से जल्द एकजुट अभी भी होइए, टाइम है। देखिए मेन क्या है, सिक्स ईयर वाले बच्चे सब सोच रहे हैं, जूनियर सोच रहे हैं क्या सिक्स ईयर वाले बच्चे आएंगे, सिक्स ईयर वाला का भैया हो गया काम तमाम, उन लोगों को मिल गया है, आप टेंशन नहीं लीजिए, सिक्स ईयर वाले नहीं आएंगे आपके साथ। और जो फिफ्थ ईयर में थे जो सिक्स ईयर में गए, उनको भी कोई टेंशन नहीं, वो भी क्या है कि अपने कॉलेज अपने एक साल बचा है, तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि शांति से चुपचाप से अपना एक साल कंप्लीट करके निकल जाए। तो यहाँ बच्चे को यूनाइट जिसको होना पड़ेगा, जो अभी तुरंत फिफ्थ ईयर में गए हैं, तुरंत फोर्थ ईयर में गए हैं, तुरंत थर्ड ईयर में गए हैं, सेकेंड ईयर वाले को, ये सब बच्चे को आपको आगे आना पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर को नहीं, तो आपको कोई सीनियर का भरोसा नहीं बैठिए कि आपको वो लोग मदद करेंगे, कोई मदद नहीं करने वाला है, समझे? तो खुद आके लड़ो सामने, तो ही कुछ होगा, नहीं लड़ोगे तो घर में बैठे रह जाओ, फिर उसके बाद ट्रांसफर लेना क्या, मोबिलिटी पे भी आफत आ जाएगी। और वही जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ये एनएमसी वाले जब बोलेंगे ना कि मैं तो बोला हूँ कि ऑनलाइन नहीं पढ़ाई एक्सेप्टेबल होगी, तो फिर उसके बाद दौड़ना PIL दाखिल करना, फिर 10-10 हज़ार सब जमा करना, सबसे लूटेगा वकील, और फिर उसमें केस हार जाओगे तो डिग्री भी चला जाएगा हाथ से। तो इसी लेके अभी है टाइम, अभी जाग जाओ, नहीं जाओगे तो सोए रह जाओ, जाओ टाई टाई बाय बाय। और उसके बाद क्या, वीडियो को शेयर करो और मानसिकता को बढ़ाओ, किसी का मनोबल तोड़ो मत, बढ़ाओ मानसिकता। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर चाहे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपका मर्जी, हम इसमें नहीं बोलेंगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि लोग से वीडियो आपके लिए बना रहे, उसमें भी लोग कह रहेगा कि अपना चैनल चमका रहा है, क्या बात है, बोले इतना बेशर्म आदमी कहाँ से। और कुछ तो विनिशिया के स्टूडेंट ही बोल रहे थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप कुछ विनिशा के स्टूडेंट फिर मैसेज करेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि था अभी के कॉलेज के कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, तो बोलने दीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ होते हैं डैश डैश डैश, उसके लिए सोचने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।